हम लोगों का डीओ भी हो गया तो गाड़ी लोडिंग है काढ़ा। यहाँ से नगर से हमको 50 किलोमीटर जामखेड़ के तरफ जाना पड़ेगा, मतलब राइट साइड में, और काढ़ा मंडी से प्याज लोड होगा मालदा, मतलब वहाँ दो पॉइंट में, या तो मालदा खाली होगा नहीं तो मालदा के पास में ही बॉर्डर है मेहदीपुर बॉर्डर बांग्लादेश का। तो दोस्तों हम लोग अभी काढ़ा पहुँच गए मार्केट यार्ड में, ये है देख लीजिए मार्केट यार्ड। अभी पार्टी को फ़ोन किया हूँ, ये सामने कांटा है तो उनके लोग आएंगे, यहीं पे कांटा होगा। तो आपस से हम लोग मंडी में आ गए, आप लोग देख सकते हैं ये मंडी है और गाड़ी हमने कांटा करवा रहे हैं, जो माल लोड करके आए आधी गाड़ी वो कांटा हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और जैसे कि पता है आपको, हम यहीं पे कल हमारी गाड़ी खाली हो गई थी, हम लोग यहीं पे खड़े हैं और कल के ब्लॉग में आप लोग देखे हम लोग रात को खाना वाना बना के यहीं सो गए, क्योंकि हमारा लोडिंग आज ट्रांसपोर्टर भाई से बात हुआ है तो हम यहाँ पे, आज सुपर में मंडी है, मतलब यहाँ से कांदा लोड होगा मार्केट यार्ड से, तो बोला है कि भाई आप वहीं पर रुकिए, कल मार्केट है देख लेते हैं, अगर उधर से डी होगा तो 10-20 रुपया भाड़ा ज्यादा मिलेंगे, वहीं रुक जाइए। तो इसीलिए हम लोग रुक गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, सुबह के मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गए हैं, अभी गाड़ी को यहाँ से घुमा कर के वो सामने ले जाना पड़ेगा घुमाने के लिए, अब घुमा के लेके हम लोग वो मेन रोड के पास हाईवे के पास जाएंगे, यहाँ चाय वाय नहीं मिलता है तो वहाँ चल के चाय वाय पीते हैं, एक आध घंटा वेट करेंगे, तब तक 10 बज जाएगा, अभी 9:15 हो रहे हैं, तो 10 बजे के बाद फिर घंटी बजने लगेगी कि कहाँ से लोड है, कहाँ से क्या करना है, अगर बताएंगे तो उस हिसाब से हम गाड़ी लेके निकल जाएंगे। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। तो गाड़ी हमने स्टार्ट कर लिया है, गाड़ी का प्रेशर बन रहा है, तो चलते हैं सामने जाएंगे गाड़ी को घुमाने के लिए, चलते हैं दोस्तों, गियर लगा लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आके यहाँ पे गाड़ी लगा दिए हैं और ये रहा सामने हाईवे और यहाँ पे सब कुछ मार्केट है, तो चलते हैं पहले चाय वाय पीते हैं, वहाँ चाय वाय कुछ नहीं मिल रहा था भाई, यहाँ पे थोड़ा चाय वाय मिलेगा, मन लगेगा टाइम पास करने में, क्योंकि हमें वेट करना है एक दो घंटा, अभी 11 बजे के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा, गाड़ी लोड होगी कहाँ से लोड होगी। तो दोस्तों हमारा चाय आ गया, सुबह का चाय मैं और अनिल दोनों साथ में पी रहे हैं, कुछ बोलो। तो चलिए चाय पी लेते हैं फिर सुबह का काम अपना देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए गाड़ी के पास, अब चलते हैं गाड़ी में, थोड़ा ये जिलेट ले लिया सेविंग के लिए, तो अभी बैठते हैं। अरे बाबा, बैठे बैठे टाइम पास करना है, खाना तो कल का बचा हुआ है, रोटी कल ज्यादा बना दिए थे, सब्जी ज्यादा बना दिए थे, तो वही वाला नाश्ता कर लेंगे। फ्रेंड्स अब चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ते में देखिए कल हम लोगों ने बना दिया था ये लौकी की सब्जी और रोटी भी बच गया है, तो ज्यादा ही बन गया था, तो चलिए निकालते हैं इसको, निकालो अनिल, अमित, इसका नाम अमित है, सॉरी मैं गलती से अनिल बोल दे रहा हूँ बार बार, क्यों मेरे साथ अनिल एक नाम का लड़का बहुत ज़्यादा टाइम था, वो उसको दिखा दूंगा, तो इसी की वजह से हमारे मुंह से अनिल अनिल ज़्यादा आता है। दो रोटी दे दो, रोटी तो बहुत है भाई, अभी भी रोटी इसमें 3-4 दिख रहे हैं, खा जाओ सब तुम। हमारा खाना बनना स्टार्ट हो गया है, तो चावल बैठा दिए हैं और ऊपर में दाल है, तो दाल चावल बना लेंगे, और थोड़ा दिन, ज़्यादा दिन नहीं, मतलब सावन और 6-7 दिन रह गया है, तो सावन तक सिर्फ सादा खाना बना रहे हैं। और हम लोग ट्रांसपोर्ट का यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बोले थे कि 2 बजे के बाद मंडी से माने माल खरीदी बिक्री होगा, तो 2 बजे के बाद किसको कितना गाड़ी लगेगा पता चल जाएगा, लेकिन अभी 2:30 बज गया, अभी तक खबर नहीं आया, तो अब देखिए क्या होता है, आज गाड़ी लोड होती है कि फंस जाती है, खड़ी रहते हैं, तो उसलिए सोचा चलो भाई अब तो भूख लगेंगे। सुबह में नाश्ता किए थे हम लोग, रोटी और लौके की सब्जी, लेकिन जैसे 3-4 बजेंगे तो भूख लग जाएगी, तो चलिए खाना बना लेते हैं। खाना हमारा बन रहा है, चावल बन गया है, दाल यहाँ बना रहे हैं, दाल सीज रहा है अभी, और यहाँ पे इसका फ्राई करने के लिए काट लिए है सब, हमारा दाल गल गया आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम। अब आलू को निकाल लेंगे एक एक करके, आलू को छील के चोखा बनाएंगे, आलू भी पूरा गल गया है। ये लो तुम आलू छीलो, हम अभी इसको महते हैं, इसको थोड़ा चलाना पड़ेगा, गल गया है बढ़िया से, हमारा दाल भी बन गया, अब इसको फ्राई करते हैं, तो ये कढ़ाई चढ़ा दिए हैं,
कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, तेल तो ख़त्म ही हो गया है। और ये है चोखा और ये है उसके आइटम, तो ये सब डाल के फ्राई करेंगे। तो पहले इसमें डालते हैं पचफोरन। तो फोरन हमारा जल गया, अब इसमें डाल देंगे पहले लहसुन को। अब डालेंगे इसमें मिर्ची, थोड़ा उसको मिला लेंगे। प्याज फ्राई हो गया, आप लोग देख सकते हैं पूरा ब्राउन कलर हो गया। अभी डाल देंगे इसमें टमाटर, उसको भी पका लेंगे बढ़िया से। हमारा दाल फ्राई हो गया, अभी बनाना है चोखा। तो चोखा में नमक डाल दिए हैं, अब इसको मिक्स लेते हैं। हमारा खाना बन के तैयार है और चलिए निकालते हैं। शाम के 3:30 बज रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आज नाश्ता तगड़ा किए थे। हमारा दाल निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं एकदम दाल तड़का जो है जबरदस्त हुआ है। खाना निकल चुका है और चलिए खाते हैं। और लोडिंग का भी फोन आ गया है, गाड़ी आज लोडिंग है, तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ से लोडिंग है, क्या लोडिंग है। दोस्तों हमारा खाना हो गया और हम लोगों का डीओ भी हो गया, तो गाड़ी लोडिंग है। काढ़ा यहाँ से नगर से हमको 50 किलोमीटर जामखेड़ के तरफ जाना पड़ेगा, मतलब राइट साइड में। और काढ़ा मंडी से प्याज लोड होगा मालदा, मतलब वहाँ दो पॉइंट में, या तो मालदा खाली होगा नहीं तो मालदा के पास में ही बॉर्डर है, मेहदीपुर बॉर्डर बांग्लादेश का, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा गाड़ी कहाँ खाली होगा। यहाँ अभी लोडिंग का फिक्स हो गया है और भाड़ा बॉर्डर का ही लगा है, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर का 57 माने 5700 रुपया टन। तो हम लोग अब थोड़ा ऑयल चेक कर ले रहे हैं गाड़ी का। ये है ऑयल टानो गेज, क्योंकि हम लोग ऑयल नहीं देखा था, हम उड़ीसा में ही एक बार देखे थे, तो ऑयल देख लेते हैं और चलते हैं लोडिंग में, क्यों फिर कच्चा माल लोड होगा तो मापने को। हाँ ऑयल बराबर है, कच्चा माल लोड हो जाएगा फिर गाड़ी खड़ी नहीं होगी, जहां तहां उल्टा टाइम में खड़ी होगी, आप माप नहीं सकते हैं, इसीलिए पहले है नाप लिए। और पानी यहाँ दिखाई दे रहा है, मिनिमम तक है, यहाँ तक दिख रहा है काला। तो चलो अभी अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी यहाँ से 85 किलोमीटर है काढ़ा, जाने में भी 2 घंटा टाइम लगेगा। हम लोग वापस से आ गए नगर रिंग रोड पे, ये है नगर रिंग रोड। इस रोड से हम लोग काढ़ा जाएंगे, मतलब जाके जामखेड़ का रोड पकड़ेंगे। एक चौक, दो चौक, तीसरी चौक जो है सीधा जामखेड़ चली जाएगी। तो अभी हम लोग गाड़ी रोक दिए हैं और ये काढ़ा रोड है और हम लोग यहाँ रुक गए थोड़ा चाय पीने के लिए, क्योंकि कंफर्म नहीं था, जो रोड में जानकारी जिसमें ना हो तो कम से कम चाय दुकान पे रुक के चाय पी लो और पता कर लो। तो यहाँ मौसी से पूछा, बोली कि नहीं यही काढ़ा रोड यही है, अभी 40 किलोमीटर आगे आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए चाय पी लेते हैं, और पानी भी नहीं था, एक बोतल पानी ले लेते हैं, ये भर रहा है, चाय पी रहा हूँ। और यहाँ लड्डू को पार्ले दे दिया हूँ एक ठो, तो ये भी पीछे पीछे भाग रहा था कि मतलब परदेसी आया है, कुछ ना कुछ खाने को देगा, तो हम दे दिए एक ठो बिस्कुट। चलते हैं चाय पी लिए। अभी यहाँ से 27 किलोमीटर है काढ़ा, मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा लगभग, तो चलिए चलते हैं। हम लोग अभी काढ़ा पहुंच गए मार्केट यार्ड में, ये है देख लीजिए मार्केट यार्ड। अभी पार्टी को फोन किया हूँ, ये सामने कांटा है, तो उनके लोग आएंगे, यहीं पे कांटा होगा, फिर आपस ले चलेंगे गाड़ी जहाँ से लोड होगी। तो चलिए आज लोड कर लेते हैं,
तो दोस्तों रात के 8 बज गए हैं, फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ पे कांटा हो रही है लोड के लिए, तो आपको दिखाते हैं। ये है कांटा घर और वो भाऊ है, राम राम भाऊ। कल 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए हम लोग, कांटा हो गया है, गाड़ी का वजन 12 टन 910 हुआ है यहाँ पे, तो चलते हैं। गाड़ी यहाँ से जाएगी 10 किलोमीटर आगे लोडिंग के लिए, वहां पे गोडाउन है। ये जो है बाजार समिति है, यानी मार्केट यार्ड, तो गाड़ी हमारी यहाँ पे नहीं लोड होगी, चलते हैं। अब आज नाइट का लोडिंग है, पूरी रात लगेगा। दोस्तों रात के 10:30 बज गए हैं और फाइनली हमारी गाड़ी जो है लोडिंग पॉइंट पे लग चुकी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं पीछे की तरफ से। यहीं पे माल पड़ा हुआ है और गाड़ी शायद 3 जगह से लोडिंग होगी, एक जगह पे माल नहीं है। यहाँ से लोड होगा 150 बोरा और एक जगह कहीं 100 बोरा है, तो यही देखिए गाड़ी लोड होगी यहाँ से अभी। और ये माल पड़ा हुआ है इधर, हमारा लोडिंग अभी स्टार्ट हो गया है। देख लीजिए 50 किलो का बोरा और ये पट्टे पे लेके चढ़ते हैं भाई लोग, बहुत मेहनत लगता है। चलिए आपको दिखाते हैं, थप्पी चालू हो गया, थप्पी लगना अभी गाड़ी में 10 गो थप्पी लगता है, तो पहला थप्पी स्टार्ट है। अभी आ गए दूसरी पॉइंट पे और यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो गया। चलिए आप लोग देख सकते हैं वहां बिल्ली बोल रही है क्या, तो चलते हैं अभी ऊपर एक बत्ता लगाना, यहाँ पूरा अंधेरा है, लाइट होना चाहिए था। जहाँ लगाना ना, अभी बता ना लगाएगा, बेल्ट मार देगा वहाँ। दोस्तों यहाँ का लोडिंग हो गया, अब चलते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट पे। वापस से हम लोग मंडी में आ गए, आप लोग देख सकते हैं ये मंडी है और गाड़ी हमने कांटा करवा रहे हैं, जो माल लोड करके आए आधी गाड़ी वो कांटा हो रहा है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए अभी 29 टन 400 हो गया है और 14 टन माल चाहिए गाड़ी में, मतलब 44 टन के लगभग 13.5 टन माल और लगेगा। तो चलिए अभी कांटा हो गया, फिर से पॉइंट पे लगाते हैं गाड़ी को। मंडी में हम लगा दिए पॉइंट पे और यहाँ से हमारी गाड़ी फाइनल होगी। देख लीजिए अंदर में माल है, हमारे हमाल भाई लोग लोड कर रहे हैं, लोडिंग स्टार्ट है। तो समझिए कि 3 बजे और रसा त्रिपाल 1.5 घंटा, तो 5 बज जाएंगे। तो आज लोडिंग में पूरी रात हम लोग जग गए और सुबह हो जाएगा और गाड़ी हमारी फाइनली लोड हो गई है, आप लोग देख सकते हैं पीछे तक। और हम लोग कांटा पे लेके आए हैं कांटा करवाने के लिए, तो पहले देख लेते हैं माल कितना होता है, उस हिसाब से अगर ज्यादा होगा तो उतारना पड़ेगा और कम होगा तो चढ़ाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से गाड़ी को फाइनल करवाएंगे हम लोग। 28 टन 500 माल हुआ है, मतलब अभी 2 टन माल चढ़ेगा गाड़ी में। चलिए लगाते हैं, हमारा रास्ता त्रिपाल हो गया, आप लोग देख सकते हैं पूरे रास्ते त्रिपाल बांध के गाड़ी कंप्लीट है और सुबह के 5 बज गए हैं। तो चलिए अब हम लोग भी यहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं, बाकी हम लोग का बिल्टी उल्टी भी मिल गया है, तो अब पूरा लेटा उठा गए हैं। अब सुबह 15 अगस्त मतलब हो ही गया, आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और चलते हैं अब हम लोग भी निकलते हैं और इस ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।